नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। साउथ अफ्रीका की टीम ना हो गई, ये कोई गली की टीम हो गई। कोई भी आता है उसको हरा कर चला जाता है। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम हारी थी और भारत की टीम की जीत हुई। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका से सीरीज अपने नाम की, और अब अफगानिस्तान के बाद आयरलैंड ने भी यहां पर साउथ अफ्रीका को एक क्लोज मैच में हरा कर इतिहास रच दिया, और ये शर्मनाक हार है साउथ अफ्रीका के लिए। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड के बीच दो T20 मैच की सीरीज अबू धाबी में चल रही है। वहां पर पहला मैच तो साउथ अफ्रीका ने आसानी से जीत लिया था, और दूसरे मैच में जो है साउथ अफ्रीका के पास अच्छा मौका था कि दोनों मैच जीत कर सीरीज अपने नाम कर सकते थे। पहले बल्लेबाजी आयरलैंड की थी, और आयरलैंड की टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, पर उनके एक खिलाड़ी रॉस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक जड़ा और अपनी टीम का स्कोर 196 के पार लेकर चले गए। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका रन को चेस करने आया, और साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, पर साउथ अफ्रीका एक बार फिर से चोक करने के लिए जो जानी जाती है उसने चोक किया। आखिरी दो ओवर में 12 गेंद पर 23 रनों की जरूरत थी। T20 का मैच है, साउथ अफ्रीका के पास अच्छा मौका था कि वो इस मुकाबले को जीत सकते थे। 12 गेंद पर 23 रन कुछ नहीं होता। आपको पता है कि IPL में 12 गेंद पर 35-35, 38-38 रन बनते हैं, और यहां पर आयरलैंड जैसी टीम जो कि बहुत खतरनाक टीम नहीं मानी जाती, उसके सामने 12 रन पर 23 रनों की जरूरत थी। सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर आई थी और ऑलमोस्ट जीत गई थी उसके सामने आयरलैंड, और 12 गेंद पर पिछले 10 गेंदों पर 5 विकेट खो गए और वो 23 रन बनाने में कामयाब नहीं रहे। बल्लेबाजी में रॉस, उसके बाद उनके भाई ने, जो रॉस के भाई ने गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में 3 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़कर और एक ऐतिहासिक मैच में जीत दर्ज की है, और साउथ अफ्रीका को हरा कर एक एक मैच से सीरीज जो है बराबरी कर ली। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम पर लगातार सवाल उठ रहे, और सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। अगर आज भी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का नंबर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से आता है, लेकिन आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका अपने स्तर से लगातार नीचे जाती जा रही है? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले इतिहास रचा, उसके बाद आयरलैंड इतनी अच्छी टीम नहीं है। आयरलैंड को अफगानिस्तान से बेहतर टीम नहीं माना जाता, पर ये जिस तरीके से लगातार सेटबैक पे सेटबैक साउथ अफ्रीका को मिल रहा है, इसके बाद से सवालिया निशान उठने लग गए हैं कप्तानी को लेकर, टीम को लेकर, उनके मोटिवेशन को लेकर। अब देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान के बाद, आयरलैंड से हारने के बाद, साउथ अफ्रीका की टीम में बदलाव होता है नहीं होता, वो तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। पर इतना तो तय है, साउथ अफ्रीका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लगातार हार पे हार, और अपने पिछले 3 T20 मुकाबले में उसको 2 में हार मिली है, जो कि एक शर्मनाक हार है। और ये आयरलैंड से हारने के बाद हर कोई यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ट्रोल कर रहा है और कह रहा है कि अफगानिस्तान टीम, आयरलैंड टीम जो है वो उनका विद द टाइम ये बेहतर होती जा रही है, पर साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो विद द टाइम अपने स्टैंडर्ड से नीचे जाती जा रही है। साउथ अफ्रीका के इतने बुरे हाल को आप किसको जिम्मेदार मानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।